जो संविधान के खिलाफ बात कर रहा है बाबा, उसको इस देश का टीवी 24 घंटा दिखा रहा है। और हम भेदभाव के खिलाफ बात कर रहे हैं तो हम जो है गंवार हो गए। संविधान बचाने की, संविधान बचाने की बात करना गंवार होना है। और जो संविधान के खिलाफ बात करें, आप बताइए संविधान के किस पेज में, किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र होगा? और लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नेशनल चैनल पे कर रहे हैं। कोई आएगा मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को मानने वाला, वो कहेगा हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या इस देश में जो भी व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को, इस देश के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सबको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से राष्ट्रीय चैनलों पर देश के संविधान के खिलाफ ये बाबा लोग, ये मनुवाद के पोषक लोग, ये भाजपा के लोग, ये संघ के लोग बात कर रहे हैं, कितना असंवैधानिक बात कर रहे हैं। इनको जेल में डाल देना चाहिए। यही है विश्वगुरु, ये मूर्खता का विश्वगुरु बना रहे हैं इस देश को। मतलब चमत्कार पर बात होगी, महंगाई पर बात नहीं होगी, बेरोजगारी पर बात नहीं होगी, दलितों पिछड़ों का हिस्सा खा रहे हैं उस पर बात नहीं होगी, चमत्कार पर बात होगी। हमारे गांव में एक पागल रहता था, सहदेव नाम था, मुझे नाम तक याद है। वो ऐसे चुटकी में राख लेता था, ऐसे मलता था, वो सिंदूर बन जाता था। तो इन लोगों का बस चले उस पागल सहदेव को, गंजेरी था, उसको ये लोग जो है राष्ट्रपिता बनवा दें, चमत्कार से देश चलेगा कि संविधान से देश चलेगा? बाबा इस देश की तकदीर लिखेंगे या इस देश के जो लोकतांत्रिक चुने हुए लोग हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, वो बात करेंगे? देश चलाने की बात टीवी मीडिया में होगी या फिर संसद में होगी? अब देश की बात टीवी चैनल में 8 बजे शुरू हो जाए, 5 बजे से ही आजकल शुरू होने लगा है। तो संसद से देश नहीं चल रहा है, ये जो टीवी में जो जनेऊ पहने ब्राह्मण हैं वो आजकल देश चला रहे हैं। तो देश का पूरा सिस्टम ही उल्टा पुल्टा चल रहा है। अभी इस देश में महंगाई पर बात मत करिए, बेरोजगारी पर बात मत करिए, मुद्रास्फीति पर बात मत करिए, आरक्षण पर बात मत करिए, निजीकरण पर बात मत करिए, इन्हीं चीजों पर इनके बाबाओं के चमत्कार की चुटकी से राख बना दिया, इस पर बात करिए। नहीं, हम कौन होते हैं सनातन धर्म को बदनाम करने वाले? जिस धर्म में जाति के आधार पर भेदभाव किया गया हो, जिस धर्म में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया हो, जिस धर्म के धर्म ग्रंथों में ही जो है भेदभाव की बात किया गया हो, उस धर्म किताबों के भेदभाव पर बात करना बदनाम कैसा करना कैसे हुआ? आपने जब अगर कह दिया कि जो है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी, तो हम तो सवाल पूछेंगे ना कि भैया आप हमको कब तक ताड़ोगे, अब थोड़ा हमको भी तारने दो, आपने बहुत तार लिया। तारना मतलब क्या? देखना। मैं अपना अर्थ छोड़ देता हूँ। तारना मतलब आप कहते हैं देखना, और आजकल गीता प्रेस की किताब आई है उसमें तारना का मतलब दिया गया है पढ़ाना। तो ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी, मतलब ये सबको शिक्षा दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ढोल को भी। तो हमने थोड़ा सुधार कर दिया, भैया इसमें ब्राह्मण छूट गया, तिवारी मिश्रा ब्राह्मण पंडा पुजारी ब्राह्मण तिवारी मिश्रा सकल तारना के अधिकारी। अब तारना का मतलब देखना लगाइए या जो है पढ़ाना लगाइए, शिक्षा देना लगाइए, ये सब है तारना के अधिकारी, इनको क्यों छोड़ दिए? खाली जो है शूद्र को पढ़ाइएगा, ढोलक को पढ़ाइएगा, ब्राह्मण का गलती है किया है भैया, उसको क्यों नहीं पढ़ाइएगा? उनको भी ताड़िए थोड़ा। और मैं तो कहता हूँ कि इस देश में जितने टीचर हैं, अगर तारना का अर्थ शिक्षा देना है तो टीचर को ताड़क कहना चाहिए, और जो फीमेल टीचर हैं उनको ताड़का कहना चाहिए, और जो स्कूल है उसका नाम इस सरकार को चाहिए तारनालय रख दे, अगर तारना का अर्थ पढ़ाना और शिक्षा देना होता है तो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो कम उम्र में सिद्धि मिल गई, ये जो पत्रकार ऐसा बोलते हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं, इनको पत्रकारिता का सर्टिफिकेट किस विश्वविद्यालय में मिला? ऐसे पत्रकारों को जो डिग्री मिली है जिन विश्वविद्यालयों से, उन विश्वविद्यालय कॉलेज को तो बम से उड़ा देना चाहिए जहाँ से ऐसे पत्रकार निकलते हैं, वो विश्वविद्यालय डिग्री देने लायक नहीं है। इनका यही है राष्ट्रवाद, यही राष्ट्रवाद है क्या? अंधविश्वास इनका राष्ट्रवाद है, पाखंड इनका राष्ट्रवाद है, यह तय करना पड़ेगा। मैं भी यही बात कर रहा हूँ ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ
इस तरह मूर्खतापूर्ण बात करने वाले पत्रकार का जो पत्रकारिता का सर्टिफिकेट है उसको जला देना चाहिए, उस विश्वविद्यालय महाविद्यालय बम से उड़ा दो जहाँ ऐसे सुशांत सिन्हा कौन कौन है पत्रकार, ये ब्राह्मण पत्रकार सारे, किसी को पत्रकारिता का पता नहीं है, दिन रात पता नहीं तलवार से लेकर ये लोग सरकार का क्या क्या चाटते रहते हैं, जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं, ऐसे ही चला रहे हैं देश। देखिए क्या है कि आपने देखा है कि इंजेक्शन देकर जो है किसी को पहलवान बनाया जाता है, तो इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार ने इंजेक्शन दे देकर, मतलब बाहरी मदद दे देकर जबरदस्ती का उनको दुनिया का जो है सबसे अमीर आदमी बनाया हुआ था, तो जबरदस्ती का जो पहलवान इंजेक्शन पे जो पहलवान बनता है उसकी वही हालत होती है जो हालत आज अडानी की अर्थव्यवस्था में हुई है। सरकार ने बनाया साहब, और सरकार ने तो अपना कर्जा चुका है, आप गूगल पे डाल के देखिए मोदी ऑन अडानी फ्लाइट, देखिएगा कि अडानी लिखा हुआ है, अडानी के जहाज से मोदी जी प्रचार करने जा रहे हैं, उतर रहे हैं जहाज से, तो कर्जा चुकाया मोदी जी ने। मोदी जी इसलिए मुझे पसंद है, किसी का कर्जा नहीं रखते, जिन मुद्दों पर वह चुनकर सरकार में आए कि मुसलमानों को टाइट करेंगे, मुसलमानों को टाइट कर दिया, कहा धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया, कहा कि जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा, बहुत चीज कहा नहीं गया, उनकी भावना जो थी भाजपा के लोग कह रहे थे आरक्षण खत्म कर दिया। नहीं अब तो देखिए नौटंकी करने में तो मोदी जी ऑस्कर से भी ऊपर के कलाकार हैं, झूठ बोलने में वो तो ये भी कहते थे कि किसी दलित को कुछ कहने से पहले जो है मेरे लाश पर उससे गुजरना पड़ेगा, नोटबंदी फेल होगी किसी चौराहे पर मुझे बुला लेना जिस चौराहे पर बुला लोगे, तो झूठ बोलने में तो मोदी जी का सानी इस दुनिया में तो कम से कम नहीं है, कोई दूसरे ग्रह का कोई एलियन आके झूठ बोलने में मोदी जी की बराबरी कर ले तो अलग बात है, इस पृथ्वी ग्रह पर मोदी जी का टक्कर झूठ देने में कोई नहीं दे सकता। ये तो अर्थव्यवस्था, देखिए ये बात जो है अर्थव्यवस्था की है, मैं बहुत टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ लेकिन इतना जरूर समझता हूँ ये जबरदस्ती के जो है अमीर बनाए गए थे सरकारी मदद से, वो गिरना ही था, नेचुरल नहीं था वो, तो गिरना ही था, ये तो और बुरी हालत होगी, झूठ की वजह से ही तो सत्ता में है। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई किसानों पर वार अब की बार मोदी सरकार, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये सब झूठ ही तो बोला, तो झूठ की वजह से जो है सत्ता में टिके हुए हैं। नहीं नहीं वो तो है, तो हमारा जो हम जो है 11-12 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसमें हमारा मुद्दा है ईवीएम को लेकर।